अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरूपश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। हम धाम यात्रा में निकले हैं, अलग अनेक सुंदर भक्तों से हम श्रवण कर रहे हैं धाम का महत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मा यही पांचेर अल्प संग। अर्थात चैतन्य चैतामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भक्ति के जो विशेष पांच अंग है उसमें से एक अंग है भगवान श्री कृष्ण का, श्री श्री गौर निताई का, और उसके साथ साथ उनके भक्तों का जो श्रीपाठ है, जन्मभूमि है, लीला भूमि है, उसमें हमको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये भक्ति का पांच अंगों में से एक विशेष अंग है। वैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, जो हमारे एक विशेष आचार्य है, गौर आमार जिसव स्थाने कोरल भवन रंगे शिशव स्थान हेरब आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तों के साथ हम वो सब जगह दर्शन करना चाहते हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने चरण के द्वारा पवित्र किए हैं वो सब स्थली। इसलिए ये जो हमारा एक महीना से और सुंदर सुंदर भक्तों से हम कथा सुन रहे हैं, इसके माध्यम से हम मन के माध्यम से हम लोग अनेक धामों में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में ये भी बताया जाता है कि मन जहां पर हाँ है वहीं पर हमारा स्थिति है। इसलिए सब कुछ चेतना के ऊपर निर्भरशील है। इसलिए अंदर जाति कृष्ण भावनामृत संघ ये भी एक कॉन्शियसनेस है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस भावनामृत। इसलिए आज हम सारे सुंदर सुंदर जगह को, जैसे हम एक एक करके दर्शन किए, अलग अलग जगह पे गंगा जी में नहाए, कुंड में नहाए, दर्शन किए ठाकुर जी का, भगवान का, उनके भक्तों के धामों का, आज एक विशेष जगह पे हम लोग आए हैं। और वो जगह क्या है? हाँ, वो जगह है कलकत्ता माँ कोलकाता माँ कलकत्ता। तो आप में से किसी किसी को लग सकता है कि अरे कलकत्ता को धाम में क्यों बताया जाता है, ये धाम कहां से हुआ? कलकत्ता सारे विश्व में विख्यात है एक विशेष नगर के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। ब्रिटिश राज के समय पे कलकत्ता भारतवर्ष का राजधानी था, हुआ करता था। अभी भी कलकत्ता विश्व में जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, वो शहरों में से विशेष हैं। सब लोगों को पता है दुनिया में कलकत्ता या अभी है कोलकाता, जो बंगाल का एक विशेष शहर है। ये शहर ने बहुत सुंदर सुंदर उपहार दिया है भारतवर्ष को तथा संसार को। वो आप चालू कर सकते हैं मीठा दही या मिष्टी दोई से, रसगुल्ला से, जो सबको आकर्षित करता है इस जगत में। वो भारतवर्ष के मिट्टी से, जो बंगाल का मिट्टी है, उस मिट्टी ने विशेष विशेष व्यक्तियों को भी उपहार स्वरूप जगत को दिया है। जैसे वो देश के लिए प्राण देने वाले हमारे शहीद भी हों, माननीय व्यक्तित्व भी हों, लेखक हों, पोएट्स हों, या विशेष व्यक्तियां जो कलकत्ता में, कलकत्ता के माध्यम से अपने लिखने के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गानों के माध्यम से, आर्किटेक्चर या स्थापत्य के माध्यम से कलकत्ता का नाम उज्जवल किया। कलकत्ता ऐसा एक शहर है जहां पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं, और अभी भी कलकत्ता के लोग जो पानी पीते हैं वो गंगा जी का ही पानी होता है।
इसलिए कलकत्ता बहुत विशेष है। कलकत्ता ने उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया सारे संसार को, परंतु कलकत्ता का एक आध्यात्मिक दृष्टि भी है, या कलकत्ता का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे महान महापुरुष एवं आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रवाहित स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का आविर्भाव हुआ है, लीला भूमि रह चुका है, इसलिए कलकत्ता एक विशेष धाम भी है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम जहाँ पर हैं, मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत विशेष स्थली है। 1971 साल में श्री प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठा आचार्य इस मंदिर को प्रतिष्ठा करते हैं, और यहाँ के ठाकुर जी हैं, भगवान हैं श्री श्री राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। आइए उनका आशीर्वाद लेते हैं और कलकत्ता को हम दर्शन करने निकलते हैं। प्रेम का अंजना प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने, धाम को दर्शन करना होता है तो कैसे? न श्रवण के माध्यम से। धाम को दर्शन करना है कैसे? न कानों के माध्यम से। इसलिए आइए चलते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया और आगे चलते हैं। क्या है ये कलकत्ता, क्यों इसको धाम बोल रहे हैं? शास्त्र में तो धाम का अर्थ है जहां पर भगवान प्रकट हुए हैं या भगवान लीला किया है। कलकत्ता में भगवान आए थे क्या? कितना दिन रुके? ये सब का विचार हम करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं क्या? कहाँ पर रुके? क्या क्या किए कलकत्ता में? ये सब का विचार हम करेंगे। आज हम कलकत्ता में राधा गोविंद का आशीर्वाद लेके, उनका दर्शन करके अभी हम निकल पड़े हैं। कहाँ पर? जिन्होंने आज सारे विश्व को कृष्ण दिया है, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थली थे। श्रील प्रभुपाद का जन्मभूमि कलकत्ता, इसलिए कलकत्ता महान है क्योंकि ये व्यक्ति भारतवर्ष का नाम तथा आध्यात्मिक जो शक्ति है भारतवर्ष का, वो सारे विश्व में प्रचार किए। कैसे? वृद्धावस्था में श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, इसलिए उनका जन्मभूमि भी एक श्रीपाठ है। श्रील प्रभुपाद का जन्मभूमि के पास ही राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, जहां पर वो बचपन में जाते थे। और श्रील प्रभुपाद ने जन्म कहाँ लिया? अपने मौसी के घर, देखिए क्योंकि तो मामा नहीं थे, रजनी देवी के। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, उन सबसे हम लोगों ने ये ग्रहण किया, इन लोगों ने उनके लेक्चर से, उनके बातों से उनको लेके भी हम घूमे। तब उनको, उन्होंने हमको परिचय किया है, श्रील प्रभुपाद ने उनको क्या क्या कहा था इस कलकत्ता के बारे में। बहुत अच्छा लगेगा, एक साथ रहिए। श्रील प्रभुपाद का जन्मभूमि के पास ही एकदम बगल में वो अभी तक पेड़ भी है जिसके नीचे श्रील प्रभुपाद ने जन्म लिया, वो जैकफ्रूट ट्री, कटहल का पेड़ अभी भी है। श्रील प्रभुपाद जन्मभूमि जन्मस्थली अभी इस्कॉन के सेवा में है, इस्कॉन उसका सेवा कर रहा है। ये एक बहुत सुखबर है आप सबके लिए, हम सबके लिए। और उसके बगल में ही है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर, वो भी बहुत ही प्राचीन। श्रील प्रभुपाद भी इससे इनका दर्शन करने के लिए जाते थे, और कोई उनके परिवार के भक्त बोलते हैं कि यहाँ पर उनका 6 दिन का बच्चों का जो पूजा होता है बंगाल में षष्ठी पूजो, वो भी इधर हुआ था। श्री प्रभुपाद के जन्मस्थली के बाद हम लोग जाते हैं श्री प्रभुपाद जहाँ पर रहते थे अपने पिता माता के साथ, हैरिसन रोड, जो अभी महात्मा गांधी रोड से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद का जो गोविंद भवन है, जो अभी जो गोविंद भवन है, उस बिल्डिंग में श्री प्रभुपाद अपने बचपन का समय बिताए। प्रभुपाद ट्रैम देखते थे और अपने हाथी में लाठी लेके दौड़ते थे ऊपर एक बरंडा में रस्सी लगा के, मतलब कि ये ट्राम की जैसा मैं चल रहा हूँ। इसके ठीक उल्टे जगह पे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर आगे रास्ते में हम लोग दर्शन करेंगे अभी श्री श्री राधा गोविंद देव का, जो मल्लिक परिवार के द्वारा पूजित होते हैं, जिनके बारे में श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा भक्ति इधर से चालू होता है कृष्ण के प्रति। हालांकि हम जानते हैं कि श्री प्रभुपाद ये लीला रचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम सबको कृपा करने के लिए, जगत को धारण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा से वो प्रकट हुए हैं।
यदि हाँ तो इसलिए चैतन्य मंगल में बताया जाता है, यदि पापी देश छेड़े दूर देश जाए मोर सेनापति भक्त पाठा बताता है। अर्थात कोई अगर दूर देश में चला जाए वहां पर मेरा सेनापति भक्त भेजता हूँ, वो सेनापति भक्त कौन है? आज प्रमाण है वो है शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद का स्कूल वो भी है कहाँ पर? ना उनके घर के बगल से, मोतीलाल सिंह स्कूल, जो अभी तक भी है और आप उधर जाके बैठ भी सकते हैं उसी चेयर्स पे जहाँ पर शिल प्रभुपाद ने अपना बचपन में अपना पढ़ाई किया। प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं उनके लीलामृत में एवं उनके कन्वर्सेशंस में जहाँ पर होकर वार्तालाप कर रहे हैं कि मैं कभी कभी जाना नहीं चाहता था, तो पापा बोलते थे ठीक है आज मर जाओ कल जाना, लेकिन मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं बैरिस्टर बनूं और पापा चाहते थे कि मैं राधा रानी का अच्छा भक्त बनूं, अच्छा मृदंग बजाऊं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का स्कूल जाना पड़ा क्योंकि मम्मी रजनी देवी बहुत इच्छा रखती थी कि वो राधा एक पढ़ाई करे, ये स्कूल भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपना उच्चतर पढ़ाई की। यहाँ पर अभी भी श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथ उनके लाइब्रेरी में ये सम्मान सहित रखे हुए हैं क्योंकि इस स्टूडेंट ने सारे विश्व को जय किया आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से। ये सब हम दर्शन करते हुए हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने वैवाहिक जीवन रहे, वह चितला रोड पे जहाँ पर बूढ़ी गंगा मतलब छोटा सा एक गंगा जी का ट्रिब्यूटरी है, उसके बगल पे एक घर पे श्रील प्रभुपाद ने आपका संसार जीवन गृहस्थ जीवन बिताया। उधर और एक गौड़ीय मठ है जिस गौड़ीय मठ में श्रील प्रभुपाद जी जाते थे और अपने गुरु भाई के साथ वार्तालाप करते थे, प्रसाद लेते थे, कभी कभी सवेरे जाके उधर कथा कीर्तन भी करते थे। श्रील प्रभुपाद का और एक सुंदर जगह है जहां से श्रील प्रभुपाद जब केमिस्ट थे और प्रभुपाद बोस लेबोरेटरी में सेवा करते थे, नौकरी करते थे, उस लेबोरेटरी भी अभी तक है, पहले जैसा नहीं है लेकिन वो जगह है जहाँ से वो अपना केमिकल्स के लिए पानी लेते थे, रसा फैक्ट्री, वो जगह भी है जिसका भी हम दर्शन कर सकते हैं। ये गया श्रील प्रभुपाद का जीवन शैली के समय। श्रील प्रभुपाद उसके उपरांत जब संन्यास लेने के लिए तैयार होते हैं और वो रहते हैं शीतकंत बैनर्जी रोड में जहाँ पर नीचे के घर पे वो रहते हैं और ऊपर रहता है अब भक्तों का रहने का जगह, तो उधर भी वो घर भी अभी तक है जो बागबजार गोड़ी मठ के बगल में है। और अपने गुरु महाराज के साथ भी वो मिलने के लिए जाते थे जहाँ पर है वो जगह, वो है बाग बाजार गौड़ीय मठ जहाँ पर राधा विनोदी लाल जी का पवित्र दर्शन हम सबको मिलेगा। और यहीं पर भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर का भी एक विशेष रूम है, उसके नीचे के रूप में श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी रुकते थे और वो इसके बारे में बोलते थे कि मैं सुन सकता था कि मेरे गुरु महाराज ऊपर चल रहे हैं, उनके पद ध्वनि मेरे कान पे आता था। ये सब जगह हम लोग दर्शन किए। इसके उपरांत हम जाएंगे कहाँ पर? जहां से श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के लिए तैयारी किए और गए 1969 और 13 अगस्त श्रील प्रभुपाद जी खिदिरपुर डॉक, आइए हम लोग खिदिरपुर डॉक चलते हैं जहां से श्रील प्रभुपाद अपना यात्रा करते हैं कहाँ पर? ना यूएसए के लिए जरूर जहाज पे। श्रील प्रभुपाद कलकत्ता से निकलते हैं। तो ये जितने भी स्थलियां हैं ये सब श्रील प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद लौट के आते हैं और भारतवर्ष का पहला मंदिर इस्कॉन का मंदिर प्रतिष्ठा करते हैं 1971 साल में, श्री श्री राधा गोविंद जी का मंदिर जहां पर मैं आज बैठा हुआ हूँ जिस स्थान पे, ये राधा गोविंद जी का मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जी राधा गोविंद का नाम से हरिश्चंद्र जी राधा गोविंद को इतना प्यार करते थे कि इनका भी नाम गोविंद रखे। श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि गोविंद बहुत सुंदर है। एक भक्त प्रभुपाद को पूछता है कि मेरे को कृष्ण का छवि मतलब क्या बोलते हैं अंकन करना है, हमको ड्राइंग करना है, कृष्ण कैसे दिखते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि क्रिस अल्बर्ट रोड इस्कॉन कलकत्ता में जाओ, गोविंद जी का मंदिर में जाओ, गोविंद जैसे दिखते हैं वैसे ही कृष्ण दिखते हैं। एक बार पुजारियों ने उल्टा बांसुरी लगाया कृष्ण को, तब पुजारियों को ये वो देख के एक भक्त जाके प्रभुपाद को बोलते हैं गोविंद जी को उल्टा बांसुरी दिया है प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? श्री प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि अगर कृष्ण चाहे तो उल्टा बांसुरी भी वो बजा सकता है, तो क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है।
इसलिए इस जगह पे इस मंदिर में बहुत सारे लीला हुए। जितने भी श्री प्रभुपाद के वरिष्ठ वैष्णव थे, वैष्णवियां थी, सबने इस मंदिर का सेवा किया, ठाकुर जी का प्रतिष्ठा किया। और फिर इधर रथ यात्रा भी, बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है। इस्कॉन के सारे विश्व में सुंदर सुंदर रथ होते हैं, लेकिन कलकत्ता में जो रथ होता है वो प्रभुपाद की इच्छा के माध्यम से करीबन बहुत बड़ा रथ होता है। 7 दिन का उत्सव होता है, 7 और 2 9 दिन सीधा रथ और उल्टा रथ एवं 7 दिन का मेला लगता है, जहां पर करीबन 20-25 लाख लोग इसका आध्यात्मिक सुविधा लाभ करते हैं, जिसके माध्यम में कलकत्ता में बहुत सुंदर प्रचार होता है, बहुत सुंदर प्रभुपाद का वाणी या महाप्रभु का वाणी प्रचार होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने रथ यात्रा का भी नाम रखा है कलकत्ता में। इस रथ यात्रा का नाम है कोलकाता रथ यात्रा, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि कलकत्ता के जितने भी निवासियां हैं सब आके इस रथ यात्रा को में भाग ले और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भाग। इसलिए कलकत्ता में जितनी भी नगरवासियां हैं, यहाँ के जितने भी उच्च पदस्थ ऑफिसर्स लोग हैं और यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सब आते हैं और श्री प्रभुपाद को एवं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को दर्शन करते हैं, सम्मान देते हैं। बहुत धूमधाम से उत्सव होता है। ये है हमारा राधा गोविंद जी का मंदिर, जो कलकत्ता में पहला मंदिर श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित। प्रभुपाद का इतने सारे जगह के भीतर एक जगह का नाम तो भूलना पड़ेगा, जहां पर अपने गुरु महाराज से वो पहली बार मिले और जिसके माध्यम से उनके हृदय पे इस्कॉन का ये बीज बपन हुआ, वो है 1 नंबर उल्टाडांगा जंक्शन रोड। 1922 अर्थात 1922 साल में उस छत पे एक इतिहास रचा। उस इतिहास क्या था? श्रील प्रभुपाद के शाश्वत गुरु महाराज ब्रह्मस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत्शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। नरेंद्र मल्लिक जबरदस्ती 25-26 साल का अभय बाबू को लेके जाते कि चलो एक साधु से मिलाते हैं। उस समय अभय बाबू बोलते हैं, हमारे प्रभुपाद अभय बाबू जो थे उस समय, वो बोलते हैं हमने बहुत साधु देखा। तब वो बोलते हैं कि ये साधु भिन्न है, ये साधु बहुत ही विशेष है। और जैसे ही वो देखते हैं श्रील प्रभुपाद को 1 नंबर जंक्शन रोड पे, तो तुरंत वो बोलते हैं कि आप नवयुवकों को अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार क्यों नहीं करते। प्रभुपाद एक प्रश्न पूछते हैं, अभय बाबू प्रश्न पूछते हैं कि अभी इस समय जब ब्रिटिश राज चल रहा है, इतना स्वाधीन स्वाधीन यू नो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, कौन सुनेगा महाप्रभु का वाणी? तो उनके गुरु महाराज उनको परास्त करते हैं इस वचन के माध्यम से कि आध्यात्मिक चेतना किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसे चेतना महाप्रभु का नाम सब अवस्था में सबके साथ पहुंचेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं उस समय हार गया और मेरे को हार के अच्छा लगा, और उसी समय उनको मैंने अपना शाश्वत गुरु के रूप में अपने हृदय स्थान दिया और मैं तैयार था कि उन्होंने जो कहा है वो मैं प्रचार करूं। इसलिए आज जितना कुछ भी हम कर रहे हैं, ये कथा हो, यात्रा हो, हजार हजार करोड़ों करोड़ों भक्त बने क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से उधर मिले, अरे बाबू मिले, और आगे चल के वो उनका जो हृदय है, जिस हृदय में उनके गुरु महाराज ने उनकी वीरजवती कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कृष्ण प्रेम का जागरण करके इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का बीज उन्होंने बपन किया, ये है उल्टाडांगा जंक्शन रोड। और मैं आपको खुशी खुशी ये बताना चाहता हूँ कि ये जगह बहुत तपस्याओं के बाद एज इट इज, जैसे वो था 100 साल पहले, वैसे ही हमको मिला है और इसका रेस्टोरेशन वर्क चालू हुआ है। हमारे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव गुरु महाराज वृंद, श्रील प्रभुपाद के शिष्य एवं शिष्य वृंद, सबका आशीर्वाद से ये सेवा चल रहा है और इसका भी दर्शन आप कर दीजिए, अभी कीजिए और इसका दर्शन से अपने हृदय को पवित्र कीजिए। ये वो महातीर्थ है जो कलकत्ता का नाम और भी ऊंचा करता है। और माननीय हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एवं जो हमारे मतलब लीडर्स लोग हैं, जिनके माध्यम से ये जगह अभी भारतवर्ष का एक हेरिटेज बिल्डिंग के नाम से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये सम्मान वो सबने मिलकर दिए श्रील प्रभुपाद को एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद का जन्म स्थान और प्रभुपाद का आध्यात्मिक जन्म स्थान दोनों ही कलकत्ता में है। प्रभुपाद का लीला भूमि अपने गुरु महाराज के पास समर्पण ये कलकत्ता है। इसलिए कलकत्ता धाम है कि नहीं ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये धाम है। ये महापाठ है कि जब बहुत सारे वैष्णव एक जगह पे जन्म लेते हैं लीला करते हैं उसको बोलते हैं महापाठ। जन्मभूमि वैष्णव का महाप्रभु के पार्षदों का वो है श्रीपाठ और क्षेत्र महाप्रभु का धाम कृष्ण जहां प्रकट होते हैं। वैसे करके अगर एक जगह पे बहुत सारे वैष्णवों का आविर्भाव स्थल है उसको महापाठ किया गया है और लीला भूमि है। इसलिए कलकत्ता महापाठ है। क्यों आगे हम चलेंगे हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद का उपस्थिति प्रभुपाद का आध्यात्मिक जन्म श्रील प्रभुपाद का जन्मभूमि कलकत्ता प्रभुपाद का लीला भूमि कलकत्ता प्रभुपाद की गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्ध सरस्वती ठाकुर मायापुर में संपूर्ण रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश को मानते हुए कलकत्ता में इसी जगह से उल्टडंगा जंक्शन रोड से उन्होंने पहला मंदिर प्रतिष्ठा किया। छोटे छोटे राधा गोविंद जी का उन्होंने प्रतिष्ठा किया। इधर से उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया हरिनाम संकीर्तन करते थे। उसके लिए तो आपको आके देखना पड़ेगा ये जगह। और उसके उपरांत कुछ सालों के बाद इस जगह को करीबन 10-12 साल हुआ रुके। इधर उधर बहुत सुंदर से प्रचार हुआ। उसके बाद वो बाग बाजार गौड़िया मठ में चले गए। उधर मंदिर पे वो स्थानांतरित किया गया। तो भक्तचंद्र सरस्वती ठाकुर भी भगवत धाम के चले या उनका शरीर यहाँ पर समाधिस्थ हुआ वो है बाग बाजार गौड़िया मठ। उनके पिताजी ये सब कलकत्ता में क्या बात कर रहा हूं मैं। उनके पिताजी अर्थात जिनको हम सप्तम गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है वो है सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर महाशय। उनका भी लीला भूमि है कलकत्ता बिदेन स्ट्रीट में। भक्ति भवन बोल के एक बड़ा सा घर है जो उन्होंने अपने अपने जीवन काल में बनाया। और उधर रुके उनका रूम भी है उनका बिस्तर भी है उनके ठाकुर जी भी हैं। और ये सब स्थली कलकत्ता में है। और ये भी एक बड़ा बड़ा अचंभिक आश्चर्य है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी क्षेत्र से कलकत्ता क्षेत्र से समाधि लेके अर्थात अपना शरीर को समाधिस्थ करके भगवत धाम गए वो भी कलकत्ता। इसलिए आप समझ रहे हैं कि कलकत्ता कितना विशेष है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सौ पार्षद श्रियो धाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिकाय शरणागति भक्ते रहा। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु अकेला नहीं आए हैं अकेले नहीं आए हैं महाप्रभु पार्षद के साथ आए हैं। और वो पार्षद कौन है वो बता रहे हैं रतन दास ठाकुर। और वो जगह पे जहां पर आए हैं उस जगह के बारे में बता रहे हैं रतन दास ठाकुर। वो बोल रहे हैं श्री गौर मंडल भूमि जीवा जाने चिंता मन तारो है ब्रज भूमि वास। जो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जहां पर विचरण किए हैं वो जगह है चिंतामणि। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस जगह पे जाना और उनका आश्रय लेना उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही विशेष होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनेक भक्तों ने कलकत्ता में अपना संपूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार और संप्राचरण किया है मंदिर प्रतिष्ठा किए चलें। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं आचार्य उनके पार्षदों के बारे में गौरंगीर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पास। गौरंग महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनको नित्य सिद्ध अर्थात कृष्ण के ही पार्षद मान के जब हम उनको हम सम्मान करते हैं उनका धाम में जाते हैं उनके श्रीपाठ में जाते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं उनके विग्रहों से आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमारे भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसलिए चलिए अभी हम आ गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम में जहां पर कलकत्ता भी एक धाम है। क्यों
चैतन्य महाप्रभु पूरी जाने के समय में कलकत्ता में 7 दिन रुके भागवत आचार्य के पास बरनगर पाटवाड़ी में। वहां पर चैतन्य महाप्रभु का चरण पादुका है, जो चरण पादुका उन्होंने श्रीमद भागवतम को पद्य के रूप में गाने के रूप में उन्होंने सुनाया और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उनको अपना पादुका दिया। ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर हमारे जितने भी सठ गोस्वामी है उनका हस्त का साक्षर किया हुआ ताल पत्ते का पुथी है। पुथी मतलब उनका लिटरेचर, उनका लेखनी, विदग्ध माधव, हरिभक्ति विलास, इनका जो असली जो है ओरिजिनल कॉपीज इधर पर रखा। ये सबसे बड़ा म्यूजियम है, वैष्णव म्यूजियम है सारे संसार में, ये बरनगर पाटवाड़ी। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का साक्षर, उनका हस्त लेखा आप देख सकते हैं, रूप सनातन का हस्ताक्षर, नित्यानंद प्रभु का हस्ताक्षर, यहाँ तक कि श्रील हरिदास ठाकुर का व्यवहार किया हुआ सामग्री भी है। इसलिए ये क्षेत्र में बहुत सुंदर श्री गौर निताई का भी विग्रह है। इससे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो महाप्रभु के और एक विशेष पार्षद जो कृष्ण लीला में राधा रानी का अंग ज्योति के स्वरूप में प्रकट होते हैं और वही बंगाल में आते हैं चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु के पार्षद के स्वरूप में गदाधर दास, जो अड़ियाधर धाम में लीला विलास किए। रात को उठ के काजी को उद्धार किए, बोलते हैं कि तुम आज कृष्ण नाम लो। काजी बोलते हैं आज मैं कृष्ण नाम नहीं लूंगा। तो बोला अरे कृष्ण तो बोल दिया, आओ गले मिलो। उनका मंदिर है इधर, उनका श्रीपाठ है इधर, इधर का पुष्प समाधि है गदाधर दास का अड़ियाधर में। और वही नहीं, ये सब गंगा तट पे है। गंगा के बारे में भी बताया जाता है कि विष्णु पितामह बता रहे हैं कि जहां पर भी गंगा है उसके दो किनारा पवित्र स्थली है। इस कारण हेतु भी भागवत के अनुसार, भागवत के अनुसार, व्यक्ति भागवत के अनुसार भी कलकत्ता भी एक पुण्य स्थली है क्योंकि गंगा जी के तट पे है। और चैतन्य चरितामृत के अनुसार जिस तरफ कलकत्ता है उस तरफ प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती मिलने के उपरांत यमुना का जो धारा है गंगा जी के भीतर जो प्रवाहित हो रही है यमुना सरस्वती जी, तो ये कलकत्ता के तरफ यमुना जी में हम नहाते हैं, ये यमुना जी है, ये भी बहुत विशेष है। इसलिए आड़ियाधर के बाद अगर हम और आगे चलेंगे, चैतन्य महाप्रभु इधर पैदल चल के आए गंगा को अपने साथ में रखते हुए नवद्वीप से, और थोड़ा आगे जाएंगे तो धनंजय पंडित का श्रीपाठ मिलेगा जो कृष्ण लीला में यशोदा मैया का सखी थे। चैतन्य महाप्रभु को प्रेम निशावर करने के लिए पूर्व वंग अर्थात बांग्लादेश से वो पदर पैर में चल के गाय की गाड़ी में चल के वो इधर आते हैं और श्री श्री गौर निताई का सेवा करते हैं राघव पंडित को अपना सेवा दान करने के माध्यम से। उससे और थोड़ा इधर बहुत सुंदर मंदिर है उनका, उनका शिव विग्रह है, गौर निताई है, और इनका गौर निताई बहुत विशेष सप्तमे झूले में झूलते हैं। गंगा जी के एकदम तट पे है ये सुंदर मंदिर, एक बगीचे के भीतर बड़ा सा बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे। उससे थोड़ा सा अगर हम जाएंगे और एक विशेष तीर्थ भूमि जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा पदांकित है, आश्रित है और विशेष है, वो है श्री श्री पानीहाटी धाम। जय मिठाय, जय गौर। चैतन्य महाप्रभु भी इधर आए हैं, रुके हैं, सेवा देते हैं। एक बार वो मानस में आए थे, एक बार वो शारीरिक रूप से उपस्थित थे। उधर एक घाट है, उसको बोलते हैं गौर घाट, जहां पर नित्यानंद महाप्रभु का नाव लगा था। और इधर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा करते हैं उस बट वृक्ष के नीचे, वो बट वृक्ष भी अभी है। इसलिए गुरु का अगर आशीर्वाद लेना है तो नित्यानंद प्रभु का इस धाम पे जाना है, दही चूड़ा खाना है और राघव भवन में दर्शन करना है। क्या दर्शन करना है? श्री श्री राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, जो रघुनाथ दास गोस्वामी एवं राघव राधा रमन जी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी एवं उनका नाम है दमयंती देवी, जो राघव पंडित के बहन थी, वो भी सेवा करती थी, और राघव पंडित। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं चार जगह पे सर्व अवस्था में रहता हूँ नित्य नित्य। पहला है श्रीवास संगम,
दूसरा है नित्यानंद नर्तन, जहां पर नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, अर्थात जहां पर भी कीर्तन हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु उधर है नृत्य कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु उधर है, राघव भवन, और उसके तीसरा है राघव भवन। पहला है शिवा संगम, नित्यानंद नर्तन, सची रंजन जहां पर सची माता रसोई कर रही है, एवं राघव भवन। ये राघव भवन पानीघाटी में है, जहां पर राघवेर घरे राधे राधा ठाकुरानी। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि राधा रानी स्वयं इधर पाक अर्थात रसोई करते हैं। ये जगह पे आम हम सबको दर्शन मिल रहा है किनका, दमयंती देवी और राघव पंडित का बहुत सुंदर समाधि मंदिर, जो समाधि मंदिर बहुत सुंदर फूलों के बगीचों के भीतर ढका हुआ है। यहाँ पर राघव पंडित जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए बंगाल से भक्त लोग उड़ीसा में जाते थे, पुरी में जाते थे, एक महीना लगता था जाने में, एक महीना लगता था आने में, और चार महीना रहते थे उधर, छह महीना गया यात्रा में, हम भी यात्रा कर रहे हैं, और तब बाकी आने के बाद वो सब सब मनन करते थे कि कौन से समय में महाप्रभु को क्या खाने में अच्छा लगेगा, और चावल देखे, लोई देखे, मूरी देखे, गंगा मिट्टी देखे, गंगा जल देखे, विशेष घृत देखे, घी देखे, कपूर देखे, अलग अलग धानों से अलग अलग प्रकार का चावल बना के उसको भून के उसको भिगा के उसको सुखा के अनेक वनों को मिठाई बना देते, अचार बना देते, कासुंदी बना देते, इमली का अचार बना देते। अरे मुंह में तो पानी आ रहा है, अरे कृष्णा, बंगाल का ये भी बहुत विशेषता है, ये है भोजन। धरती माँ यहाँ पर सुजला सुफला सस् श्यामला है, गंगा जी के कृपा से, गंगा जी का पवित्र जल के कृपा से यहाँ पर हजार हजार के प्रजाति के शस्य मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, जो स्वयं राघव पंडित लगाते थे भोग, अश्री चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करते थे, नित्यानंद प्रभु उसको ग्रहण करते थे। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु रघुदास दास को स्वयं कृपा किए, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का अभिषेक भी हुआ, जहां पर उस बगीचे में एक एक छोटा सा पेड़ के भीतर जम्बू वृक्ष, जहां पर वो जम्बू फल होता है, उस वृक्ष के भीतर करमचा बोलते हैं जिसको बंगाली में, कदम्ब का फ्लावर फूल आया, कदम्ब का फूल आया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का इच्छा होगी मैं पहनूंगा। इसलिए ये स्थली भी बहुत पवित्र। यहाँ पर और एक सुंदर चीज है, यहाँ पर इस्कॉन का, हम का, हमारा एक सुंदर सा मंदिर बना है, सेंटर बना है, जहाँ पर हम सुंदर घाट भी है, जहाँ पर भक्त लोग चलिए नहाते हैं, हम लोग गंगा जी में अवगमन करते हैं, तर्पण करते हैं, गंगा जल में गंगा पूजा करते हैं, आचार्यों को समर्पित करते हैं गंगा जल, ठाकुर जी को समर्पित करते हैं गंगा जल। हर हर गंगे गंगा मैया की जय, पानीहाटी धाम की जय। एक बार फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय श्री पानीहाटी धाम की जय। इससे आगे चल के हम नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लिए, सबका आशीर्वाद लेके हम चलते हैं और आते हैं एक और सुंदर स्थली, वो है खड़दा धाम। खड़दा धाम में हम लोग दर्शन करेंगे नित्यानंद प्रभु का घर, और नित्यानंद प्रभु के जो दो शक्तियां थी, उनकी जो स्त्रियां थी जाह्नवी और वसुधा, उनका घर, और दर्शन करेंगे जाह्नवी माता और उनके पुत्र वीरचंद्र प्रभु और गंगामणि के द्वारा प्रतिष्ठित राधा श्याम सुंदर की। इसका बहुत सुंदर एक कहानी है, संक्षिप्त रूप में। रामदास बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु के द्वारा दीक्षित थे। उनका बहुत इच्छा रहता था कि हम ठाकुर जी का सेवा करें, भगवान के शिव विग्रहों का सेवा करें। महाप्रभु उनको नित्यानंद प्रभु के साथ ओडिशा से पूरी क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम से बंगाल में प्रचार करने के लिए भेजते हैं, तो आते हैं। और तब अलौकिक रूप में गंगा जी में बहते हुए नवाब के घर से बड़ा सा काला पत्थर आता है, जिसको जिसके माध्यम से तीन ठाकुर जी बनते हैं। सबसे बड़े ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जो श्रीरामपुर में है, मझला जो है वो है राधा श्याम सुंदर जो खड़दा में है, और छोटा जो है वो है राधा नंद दुलाल जो साई गुना है, खड़दा से थोड़े दूर भी हम जाएंगे, जिनको उपहार स्वरूप
भक्तों ने दिया सेवा करने के लिए, किनको? रामदास को। तो रामदास जी से चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए और उनको ये सेवा मिला जो साई बोला में है। जैसे वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, अभी तो वृंदावन से जयसिंह के माध्यम से राजस्थान में है और उनका दर्शन होता है, वैसे बंगाल में भी माघी पूर्णिमा के दिन में ये विश्वास के साथ भक्त लोग चलते हैं और वो भी सूर्योदय से लेके अभुक्त रह के बिना खाए इन तीन ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और मान्यता ये है कि ये अगर गौड़ीय ठाकुर जी का अगर दर्शन करेंगे जो नित्यानंद प्रभु के शक्ति जन्म मतन ने प्रतिष्ठा किया, इनका तीनों का दर्शन से इस पूर्णिमा के दिन पे अगर कोई दर्शन करे तो उनको और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषानु दर्शन में आने का और जरूरत नहीं होगा। अरे बोल, तो ये है राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन जहाँ पर नित्यानंद प्रभु खड़गा में प्रचार चालू किए, जमींदार से वो जमीन मांगे और जमींदार ने उनको उपहार स्वरूप नित्यानंद प्रभु को ये जमीन दिया और खड़गा में उन्होंने प्रचार चालू किया। और बाकी जितने भी जन है, राघव पंडित, दमयंती देवी, अड़ियाधा के गदाधर दास, धनंजय पंडित, सब नित्यानंद प्रभु के चरण पे आके आश्रय, रामदास, ये सब लोग आते हैं। और इधर से थोड़ी देर जाने के बाद ही हमको मिलेगा साई बोना जहाँ पर अदानंद दुलाल है, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैं कहा, बहुत सुंदर वातावरण में जंगल के भीतर बहुत सुंदर ये ठाकुर जी है, अपूर्व विग्रह है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद के द्वारा पूजित है। ये सब दर्शन हम लोग कर लिए। अभी कलकत्ता से, ये है कलकत्ता के एक तरफ, हम लोग क्या बोलते हैं मायापुर की तरफ जाने के समय पे ये सब जगह को हमको दर्शन कर, कलकत्ता, सब कलकत्ता में है। ये हमारा राधा गोविंद मंदिर है 3 से अल्बर्ट रोड, इधर से 1 घंटे के रेडियस में ये सब जगह है। तो अभी हम उत्तर की तरफ गए थे, अभी दक्षिण की तरफ जाएंगे कलकत्ता का। दक्षिण की तरफ जब हम जाएंगे, दक्षिण में एक जगह है वैष्णव घाटा, वैष्णव घाटा जहाँ जहाँ है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक जगह पर बैठ के विश्राम लिए थे, वो जगह है। और मंदिर के बगल में एक जगह है जहां पर महाप्रभु 3 घंटा रुके थे और पानी पिए थे, और पानी पीने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु उधर विश्राम लिए थे, वो भी एक जगह है। हालांकि इसके बारे में चैतन्य 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 भागवत चैतन्य भागवत में उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे कृष्णदास सुंदर जी उस समय बोलते हैं कि विषय इतना बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, इसलिए परंपरा धारा के माध्यम से ये सब स्थली भी अभी है। दक्षिण की ओर बारहवीं पीर बोल के एक जगह है कलकत्ता का, एक जगह जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और अनंत आचार्य बोल के एक विशेष भक्ति घर पे रुकते हैं 3 दिन। और जैसे गौरीदास पंडित को उन्होंने अपना हृदय से गौर निताई प्रकट हुए, वैसे इधर भी बहुत सुंदर इसके वो विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं, अपने हृदय से निकाल के स्वयं वो मूर्ति निकलते हैं और उनका सेवा अभी तक होता है। करीबन 6 फुट का बहुत सुंदर शिष्य गौर निताई है, अपूर्व दर्शन है। यहाँ पर कुटकी घाट है, गंगा जी उतारे वहां पर एक धारा थी जो अभी सूख गई है, उधर से महाप्रभु गए थे कहां पर, तमलुक की ओर अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर। तो यहाँ पर भी आप लोग हम सब दर्शन कर सकते हैं श्री श्री गौर निताई का। इधर का प्रसाद भी बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में है, प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सारे उनके लेखने के माध्यम से, उनके वक्तव्य के माध्यम से, कैसे श्रील प्रभुपाद जी की छुट्टी के दिन पे श्रील प्रभुपाद जी ये सब स्थली पे जाते थे, इतवार के दिन में छुट्टी के दिन पे। इधर के पुजारी इन सब के साथ हम लोगों का बहुत सुंदर संपर्क है, वो तो हमको बहुत प्रेम देते हैं और ये सब जगह पे जितने भी पुजारी है सब हमारे भक्तों को बहुत ही सहायता करते हैं, दर्शन का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जगत के कल्याण के लिए कितना त्याग किया है और कितना उन्होंने सेवा किया है। इसलिए सब स्थली में श्रील प्रभुपाद जी जाते थे, उधर से प्रसाद भी लेते थे। तो अभी दर्शन की ओर ये जगह के बाद और एक जगह है जहां पर बोलते हैं अम्बुलिंग घाट है, जहां पर 5 धाराओं में गंगा जी प्रवाहित हुई, वहां पर अम्बुलिंग शिव है। वो शिव जी को चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए, भक्ति तंत्र सरस्वती ठाकुर के इधर पादपी थे महाप्रभु का, इन्होंने उधर प्रतिष्ठा किया। इधर के बाद हम लोग थोड़ा जाएंगे कलकत्ता से ही एकदम गंगा जी के उस पार है श्रीरामपुर, जो श्रीरामपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का और एक पार्षद कमलाकर पीपल लाई के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने उधर विशेष जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रतिष्ठा किए, सुदर्शन
जिनका रथ यात्रा का नाम है महेश का रथ, और वो महेश का रथ बहुत ही विशेष है। जगन्नाथपुरी के बाद बताया जाता है कि इतना बड़ा और इतना पुराना रथ सिर्फ एक जगह पे संसार में होता है, वो है महेश का रथ। और उस महेश के रथ से थोड़ी देर आगे कमल का पिपल जितना महाप्रभु के पार्षद होंगे उनका समाधि भी है उधर, उनको बहुत इधर जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं, बलराम जी उनसे थोड़ा सा छोटे हैं, सुभद्रा जी एकदम छोटे हैं, सुदर्शन जी छोटे हैं, और बहुत ही भावुक और प्रेममयी विग्रह है ये जगन्नाथ जी। हम कभी दर्शन करेंगे, अभी तो कर रहे हैं ना कथा के माध्यम से, उससे थोड़ी दूर जाएंगे तो सबसे बड़े जो तीन ठाकुर में एक ठाकुर है वो है श्री राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, ये सारे मंदिर भी बहुत प्राचीन है। टेराकोटा अर्थात मिट्टी को जलाया हुआ, जला के उसका छोटा छोटा पत्थर में नक्शा करके इस मंदिर को बनाया गया है। और वही नहीं, इधर बहुत सुंदर सेवा होता है, भगवान का बिस्तर दिखेगा आपको इधर, भगवान खाने के समय में एक रूम में जाते हैं, सोने के समय में एक रूम में जाते हैं, भगवान एक व्यक्ति है ये बहुत साक्षात्कार इधर होता है। हर भोग के बाद भगवान का चरण दबाते हैं, और वही नहीं जब वो सोने जाते हैं उनको तेल मालिश करते हैं, भगवान का श्री राधारण का चरण, ये सब परंपरा के माध्यम से इधर सेवा होता है। बहुत ही इंग्लिश में बोलेंगे तो स्वीट मीठा लगता है ये सब सेवा, बहुत ही आकर्षक लगता है ये सब सेवा। उधर से जब हम क्रॉस करके कलकत्ता में फिर से आए, और विशेष जगह है जो शोभा बाजार में है, जिसको बोलते हैं शोभा बाजार ठाकुरबाड़ी, ये कुमटुली के, कुमटुली मतलब कलकत्ता में एक जगह है कुमटुली जहां पर मूर्तियां बनते हैं, सारे विश्व से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। उनके ठीक बगल में ही एक बहुत सुंदर मंदिर है, विशाल मंदिर है, जो गोकुलचंद्र बोल के एक महाजन ने ये बनाया है। ये जगह बहुत विशेष है क्योंकि इस जगह पे श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के जो पार्षद, जो वन विष्णुपुर में 108 मंदिर प्रतिष्ठा किए, वीर हम्बीर को शिष्य बना के, सुदेशना जी को रानी, राजा वीर हम्बीर एवं उनकी रानी सुदेशना उनको शिष्य बनाते हैं, इसका कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। उनका जो मदन मोहन है ये कलकत्ता में है, श्रीनिवास आचार्य का सेवित विग्रह। और वो घर जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि महल है, जमींदार महल, लेकिन सब कुछ कृष्ण के नाम पे। अलग अलग ऋतुओं में, वर्षा के ऋतु में एक 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 कक्ष में रहते हैं ठाकुर जी। नाच घर है जहां पर भगवान आते हैं और जाड़े के समय में नृत्य देखते हैं भक्तों का। यहाँ पर सोने का घर अलग है, सोने का जो बिस्तर है वो एक झूला है ठाकुर जी का। ये चेतन महाप्रभु के पार्षद लोगों ने ये सेवा, अलग अलग सेवा का बहुत सुंदर व्यवस्था की है, जो आपको दिखेगा अभी भी दिखेगा कलकत्ता में। और उसका जो महल है, उसका जो देव स्थान है, उसको देखेंगे लगेगा कि अरे ये तो ब्रिटिश राज में कोई जमींदार घर में आ गया, ये जमींदार घर नहीं है, ये मादा मदन मोहन ललिता विशाखा का घर है। गर्मी के समय में एक कक्ष में, और जाड़े के समय में ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं और धूप में बैठते हैं थोड़ा धूप लेने के लिए, सूर्य देव को सेवा देने के लिए। इसलिए ये सारे क्षेत्र कलकत्ता में है। और कलकत्ता को हमारा जो ये राधा गोविंद जी का मंदिर, इसको एक जगह पे रख के अगर हम जाएं तो और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह पे हम जा सकते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में हम दूसरे एक दिन चर्चा करेंगे। इसलिए इतने सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एवं स्वयं कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में, बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में कलकत्ता में रहेंगे, प्रचार किए, सेवा किए, दिला विलास किए, भक्तों को आनंद दान दिए, इन भक्तों के साथ उन्होंने प्रेम का आदान प्रदान किया। भक्त गणेश सुख दीते प्रभु अवतार यथा जग तथा करे न व्यवहार। इसलिए बंगाल का एक विशेष स्वाद है, अलग एक सुगंध है अलग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए हम सबको आशीर्वाद एवं कृपा देने के लिए। ये सब स्थली में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे इसके अगल बगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर कुंड है, पुकुर बोलते हैं जिसको, और बंगाल का तो स्वाद अलग ही है। और इस सारे जगह पे आप हम जब मिलेंगे और आप जब आएंगे तो आप सबको बंगाली प्रसाद खिलाएंगे हम, शुक्तो हर हरा भरा, अलग अलग प्रकार का शाक, सरसों का
क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट बना के उसमें अलग अलग सब्जियां, अलग अलग भाजियां, मेरे को मुंह में पानी आ रहा है। अरे कृष्णा, महाप्रसाद की जय, जो सची माता अंदर रसोई करती थी, अशांतिपुर में रसोई होता था, वही बंगाल में इधर राघवपुर के घर पे हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, और उसके बगल में ही है हमारे इस्कॉन, उधर भी प्रसाद बहुत ही सुंदर है। इसलिए आइए, इस स्वाद लेते हैं, मिष्टी दोई भी महाप्रभु को भक्त बना के दिए, मिठाई भी दिए, संदेश भी दिए, अचार भी दिए, क्योंकि किसी भी तरह से अगर हम भगवान का सेवा करें, भगवान अगर उसमें प्रसन्न हो, सब में फल तो एक ही है, और वो है क्या, ना कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। इसलिए हम देखते हैं कि कलकत्ता कैसे पवित्र है। इस पवित्र स्थली पे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर भी आए, यहाँ पर लेखक भी आए, लेकिन ये जो एक विशेष गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसके बारे में भी लोग अभी जान रहे हैं श्रील प्रभुपाद के पास से। इसलिए कलकत्ता इस्कॉन के मंदिर की तरफ से हम लोगों ने एक किताब निकाला है, कलकत्ता बोल के, कोलकाता, द हिडन ट्रेजर ऑफ कैलकटा। ये सबके लिए अभी उपस्थित है, ये आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद के जितने भी स्थान है, इसमें से मैं कुछ कुछ बोला, लेकिन छोटे 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 बहुत सारे जगह पे जहां पर प्रभुपाद ने पहला प्रोग्राम किया, जहां पर प्रभुपाद ने बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, जहां पर प्रभुपाद ने पहला रथ यात्रा किया, जहां पर श्री प्रभुपाद ने अपने भक्तों को लेके पहली बार रुके, ये सब स्थली है। पहला लाइफ मेंबर बनाया कलकत्ता में, ये सब स्थली है। यहाँ के भक्त लोग कलकत्ता के में भक्ति बोलूंगा, क्योंकि बंगाल में जो है वो सबसे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम कर रहे हैं, और सचेतन महाप्रभु को बहुत मान्यता देते हैं। वो बोलते हैं कि नौदेर निमाए, नदिया के निमाए, आमादेर निमाए, वो बोलते हैं निमाए हमारे हैं, सचेतन महाप्रभु हमारे हैं। इसलिए बंगाली जो भक्तगण हैं और चैतन्य महाप्रभु को बहुत मानते हैं। इसलिए आइए कलकत्ता चलते हैं, और सुंदर सुंदर जगह पे और धाम यात्रा करेंगे, और इसके साथ साथ कलकत्ता में भी एक प्रोग्राम को आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि मायापुर मेरा पूजा घर है, वृंदावन मेरा घर है, और कलकत्ता के बारे में बताया है कि मैं कलकत्ता का लड़का हूँ, आई एम कलकत्ता बॉय। और वो भी बताते हैं कि कलकत्ता आशीर्वाद से पुष्ट है, क्योंकि इतने सारे पार्षद एवं गंगा जी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कलकत्ता है मायापुर जाने का द्वार, इसलिए इस द्वार में रहना पड़ेगा हम सबको 3 से 4 दिन, उसके बाद सब आचार्यों का, चेतन महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लेके हम चलेंगे कहाँ पर, श्री मायापुर नवद्वीप धाम में। और जब हम इन सारे आचार्यों का आशीर्वाद लेके हम मायापुर में प्रवेश करेंगे, तब हमको श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा मिलेगी। इसलिए आइए कलकत्ता में रहिए, गोविंद का दर्शन कीजिए, उल्टाडांगा जंक्शन का दर्शन कीजिए, प्रभुपाद का जन्मभूमि का दर्शन कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कुमारघट्ट में जाते हैं, जहाँ पर चैतन्य डूबा बोलते हैं, उधर जाके श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज से, जन्म स्थली से मिट्टी लेते हैं, अपने पास रखते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं ईश्वरपुरी ने इधर जन्म लिया, मेरे गुरु महाराज ने इधर जन्म लिया। इसके माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से महाप्रभु देखा कि जगह का नाम है चाकदा, कृष्ण नगर जाने के समय पे। वैसे श्रील प्रभुपाद की जन्मभूमि है कलकत्ता, प्रभुपाद के चरण रज के द्वारा पुष्ट है, इसलिए कलकत्ता में हम सबको आना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद का जन्मभूमि में जाना चाहिए, प्रभुपाद का जन्म स्थली पे जाना चाहिए। प्रभुपाद का गुरु महाराज का पहला जो दर्शनीय स्थान है उल्टाडांगा जंक्शन में जाना चाहिए, और उधर जाके ध्यान करना चाहिए। ये सब कुछ संभव हुआ, इतना सुंदर से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो धाम को प्रकट किए हैं हमारे सामने, वो है श्रील प्रभुपाद, और वो कलकत्ता से। इसलिए स्थान मात्र के बारे में बताया जाता है, और भागवत श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि दो तरह का तीर्थ है, एक तीर्थ जो अचल है, एक जगह पे है, उधर जाके स्थान में जाके आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवत भक्ति के एक अंग है वो, और एक है सचल तीर्थ। सचल तीर्थ मतलब साधु जब अपने हृदय में लेके धाम को चलते हैं,
इसलिए उनका चरण को भी बोलते हैं तीर्थ, तीर्थपाद, तीर्थमूर्ति। श्रील प्रभुपाद जी हैं वैसे ही एक तीर्थ, सचल तीर्थ, जिन्होंने आज संसार में सारे जगह को पवित्र किए अपने चरण रज के माध्यम से, अपने कीर्तन के माध्यम से, अपने हरि भजन के माध्यम से सबको उत्साहित किए। उनका स्थान है ये कलकत्ता, आइए उनका आश्रय ले। श्री श्री कलकत्ता धाम की जय। श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। गंगा मैया की जय। सारे पार्षदों की जय और आप सबकी जय, क्योंकि आप इतने उत्साह के साथ ये धाम यात्रा कर रहे हैं। मेरा कलकत्ता राधा गोविंद मंदिर से ये प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए और यात्रा में सब समय निकलते रहिए, और आने के बाद उसे अच्छा का कथा सबको बांटते रहिए, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार होते हैं और सुंदर कथा सुनने के लिए और सुंदर से विशेष धाम का दर्शन करने के लिए। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.